अक्सर अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? अक्सर अच्छे लोग जो नेक काम करते हैं, जो लोगों की सहायता करते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या बात है जिस कारण उन्हें इतनी परेशानी मिलती है? तो चलिए, आज की हमारी कहानी इसी बात पर आधारित होगी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास गांव के सभी लोगों के बीच में बहुत प्रिय था, क्योंकि वे हमेशा लोगों की सहायता करने को तैयार हो जाता बिना किसी झिझक के, और अपने गहरे ज्ञान को दूसरों के साथ हमेशा साझा करता था। वे सबके समस्याओं के समाधान ढूंढने में उनकी मदद करता और उनकी सलाह बहुत मूल्यवान होती थी। एक दिन गांव के कुछ युवक रामदास के पास गए और उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे हो, फिर भी आपको दुख क्यों मिलता है? रामदास मुस्कुराए और उन्हें एक कहानी सुनाई कि बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में वह घूम रहा था। वहां मैंने एक उदाहरण देखा, एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा जो लगा हुआ था, वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। पौधे ने पेड़ से कहा, हे भगवान, मैं तो तुमसे बहुत ऊंचा बढ़ना चाहता हूँ, पर तुम मुझे रूप देने में समर्थ नहीं हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। परंतु पेड़ ने जवाब दिया, बेटा, मैं तो तुझे ऊंचाई तक पहुँचाने में समर्थ हूँ, पर तू मुझसे ऊंचाई तक पहुँचने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह मेरे दोस्त, जीवन में हमें कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने अंतरंग गुणों, जो कि बुराइयों, कमजोरियां हैं, उनको हम समझ सकें। ये दुख हमारी समझ को विकसित करने में मदद करते हैं और हमें अपने अध्ययन और विकास में मदद करते हैं। अगर हमारे पास सभी सुविधाएं होंगी, सभी सुख साधन होंगे, तो हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारा शरीर ढीला पड़ जाएगा। हमारे मन में यह बात बैठ जाएगी कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कठिनाइयां नहीं आएंगी तो आप लोग आलसी हो जाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। कठिनाइयां और मुसीबत हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं ताकि हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को और मजबूत बना सकें और आगे चलकर और मजबूती के साथ उस समस्या, उस परेशानी का सामना कर सकें। तभी जाकर हम अपने आप को उसके योग्य बना सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को दुख उनके आत्मसमर्पण और ज्ञान के बारे में उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए आते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों को दुख उनके आत्मविश्वास और स्वाधीनता के माध्यम से अपने आप को सुधारने का एक मौका प्रदान करती है। इस तरह हम अपने जीवन को आसानी से बदल सकते हैं। चाहे थोड़ी सी कठिनाई हो, संघर्ष हो, हमें घबराना नहीं है। हमारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा है या बुरा है, वह हमारे भले के लिए अभी हो रहा है, परंतु आगे चलकर यही हमें बहुत अच्छा अनुभव कराएगा।